नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे प्रोटीन पाउडर कैसे बनाया जाए। तो घर पे प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आपको 100 ग्राम बादाम लेनी है, 100 ग्राम केशू लेने हैं, 100 ग्राम अखरोट लेने हैं, 100 ग्राम मखाना लेने हैं और 100 ग्राम ओट्स लेने हैं। आप इस क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, 50-50 ग्राम भी कर सकते हैं, जैसे आपको जितना बनाना है, बट इक्वल क्वांटिटी में सारे लेने हैं। अब इन सबको अलग अलग रोस्ट करना है, आपको ड्राई रोस्ट करना है, कुछ डालना नहीं है। सिंपली थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सबको रोस्ट कर लेना है, सबको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद सबका मिक्स करके पाउडर ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए, ठीक है। इसमें अब आप फ्लेवर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को फ्लेवर्स पसंद है, तो अगर किसी बच्चे को इलायची फ्लेवर है तो इलायची पाउडर लीजिए और उसमें मिक्स कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो उसको चॉकलेट जो चोको पाउडर होता है, कोको पाउडर आता है, वो उसमें मिक्स कर दीजिए 2-3 चम्मच। अगर किसी बच्चे को केसर पिस्ता वाला पसंद है तो उसमें केसर के कुछ थ्रेड्स डाल दीजिए, उसमें केसर का वो आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो घर पे बना हुआ आपका प्रोटीन पाउडर होता है, ये बहुत हेल्दी होता है बाहर के प्रोटीन पाउडर की बजाय, और ये बहुत अच्छा वेट गेन में भी हेल्प करता है। आपके ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके आप लगातार 24/7 ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते।